आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मींस हाउ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स बिहेव्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं। तो बेटा जी, जितने भी ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं वो टू मेन ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, डाइऑक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, हैविंग फॉर्मूला EO2 एंड EO3। ई इज द ग्रुप 16 एलिमेंट, कोई भी हो सकता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम वगैरह। इसमें ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसेस हैं, फर्स्ट टू मेंबर्स जो होते हैं इसके। बाकी जो आगे वाले हैं, सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड है, ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीज करती जाती है सल्फर डाइऑक्साइड टू टेलुरियम डाइऑक्साइड। इसमें ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में आता होता है, आया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग व्हाइल टेलुरियम डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें जो आपका रीजन आएगा वो आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट का, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग व्हाइल टेलुरियम डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना है, ड्यू टू नॉट परफेक्ट होता ही है। इसके अलावा बाकी डाइऑक्साइड्स में की बात करें तो सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम ट्राइऑक्साइड्स भी फॉर्म करते हैं अलॉन्ग विद दोज ऑफ डाइऑक्साइड्स। इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, ये सारे के सारे, और इनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक नेचर होती है इनके ऑक्साइड्स जो बनते हैं तीनों एलिमेंट्स के। तो जनरली हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह इनकी। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोऑक्साइड्स की बात करें तो सेलेनियम को छोड़कर, एक्सेप्ट सेलेनियम, सारे के सारे एलिमेंट्स मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ऑल द एलिमेंट्स। सल्फर मोनोऑक्साइड जो है वो फॉर्म होती है जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर के साथ हीट करते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर कंडीशंस में। सल्फर डाइऑक्साइड को सिंपली सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है अंडर द टेम्परेचर कंडीशंस अबाउट 475 केल्विन, 475 केल्विन टेम्परेचर कंडीशंस, और लो प्रेशर कंडीशंस में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होते हैं। सल्फर मोनोऑक्साइड। इसके अलावा सिल्वर को जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो भी सल्फर मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, ये सिंपल से रहता है। बाकी डाइऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो सारे मेंबर डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से होता है। जब ग्रुप 16 एलिमेंट को डायरेक्टली ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो सबसे पहला जो कंपोनेंट बनता है वो डाइऑक्साइड ही बनता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट रूम टेम्परेचर रहती है, इसमें सल्फर एटम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है वहां पे, और बाकी केसेस में इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप लोगों ने करनी है। सल्फर डाइऑक्साइड्स की बैंड शेप होती है जस्ट लाइक वाटर, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि एक लोन पेयर होता है, वाटर में 2 लोन पेयर थे, यहाँ पे 1 लोन पेयर रहता है सल्फर डाइऑक्साइड के केस में। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, सल्फर डाइऑक्साइड बॉन्ड एंगल 119.5 रहता है, 119.5 डिग्री, और एक लोन पेयर,
ये रहता है। इसमें सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वह 143 पिकोमीटर होती है, 143 पिकोमीटर। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छी तरह से एनालाइज कर लेनी है क्योंकि ये पेपर में आती होती है। सॉलिड स्टेट की फॉर्म में ये पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है जी। सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर टाइप होती है इसकी, जो आपका दूसरा दूसरे एलिमेंट का है ये, जिसकी हम बात कर रहे हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड जो होता है SeO2, इसकी बात हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड तो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर और एक्सेट्रा। सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है, सेलेनियम का जो ऑक्साइड है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है सॉलिड स्टेट में, जबकि गैसीय स्टेट में वो SO2 की जगह वेंट स्ट्रक्चर ही शो करता है। बाकी टेलीरियम डाइऑक्साइड और पोलोनियम डाइऑक्साइड जो है वो नॉन वोलाटाइल क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स याद रखना है, एंड टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं दोनों के दोनों, टू टू फॉर्म्स होती हैं इनकी, ये रहता है। बाकी जो डाइऑक्साइड्स होते हैं अदर एलिमेंट्स ग्रुप 16 के, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसके पीछे का बेसिक कॉज रहता है डिफरेंट tendencies to form p-pi multiple bonds with a decrease, वो करती जाती है टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाता है जो कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द p-pi मल्टीपल बॉन्ड होता है वो डिक्रीज करती जाती है, ठीक है जी। इस वजह से स्ट्रक्चर इनकी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शो होती हैं। बाकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो जैसे हमने अभी डिस्कस किया ही है कि ये जो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर। और इसके लिए आप लोग रिएक्शन दे सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड के केस में आप रिएक्शन दे सकते हो, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मेशन होती है, सल्फ्यूरस एसिड। जब SO2 को हम ट्रीट करवाते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, जब ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है तो हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड बनता है H2SO3। ये सल्फ्यूरस एसिड होता है, और इसी वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है इसको सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है, और एसिडिक नेचर होती है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, मतलब सल्फ्यूरस एसिड सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, तो दोबारा से वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाती है, मतलब ये दोबारा बन जाते हैं अगर इसको बॉयल करते हैं। यहाँ पे बॉयल अगर करें, बॉयल, तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर अगेन प्रोड्यूस हो जाएंगे दोनों के दोनों, इस तरह से होता ही है। बाकी और दूसरे की बातें करें, जैसे सेलेनियम वगैरह की बात करें तो सेलेनियस एसिड बन जाता है H2SeO3, सेलेनियस एसिड H2SeO3 ये बनता है, ये सेलेनियस एसिड होता है। सेलेनियम डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, ठीक है जी। बाकी इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में। और जो डेलीरियम डाइऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, इनसॉल्युबल रहता है, लेकिन एल्कलीज में डिसॉल्व हो जाता है वो, और वहां से टेलीराइड्स बनते हैं, और एसिड्स की फॉर्मेशन में बेसिक साल्ट फॉर्मेशन हो जाती है जो अगेन आपके एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जो आफ्टर फॉर्मेशन, मतलब आफ्टर रिएक्ट विद एल्कलीज जो टेलेरियम डाइऑक्साइड होता है वो डिजोल्व कर जाता है, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, एंड टेलुराइड्स फॉर्मेशन होते हैं, और एसिड्स की फॉर्म में ये टेलेरियम डाइऑक्साइड जो है वो बेसिक सॉल्ट बनाता है, विच शोज इट्स एम्फोटेरिक, क्योंकि दोनों के साथ रिएक्शन हो रही है एसिड और बेस के साथ, इसलिए ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है जी। इसी तरह से पोलोनियम भी ऐसा ही होता है, पोलोनियम डाइऑक्साइड भी इसी तरह से एक्ट करता है।
बाकी अनदर क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो यही वाला जो मैंने आपको बताया ही है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग फायर, टेलुरियम डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है, पेपर में आया हुआ है, यही एक दो बार आया हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन मैंने जस्ट आपको बताया ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जो पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती जाती है सल्फर टू टेल्यूरियम। तो इसलिए जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है डाइऑक्साइड्स की वो भी टॉप टू बॉटम क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। वो उसके पीछे का कॉज क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज नॉट पेयर इफेक्ट। ये तो हो गए डाइऑक्साइड के बारे में। इसी तरह से ट्राईऑक्साइड जो होते हैं, जैसे सल्फर जो ट्राईऑक्साइड होता है इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, तो सल्फर डाइऑक्साइड की पहले ऑक्सीडेशन होती है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड वगैरह की प्रेजेंस में, अभी करेंगे हम रिएक्शन ये, जब सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर जब करेंगे तो वहां पे प्रेपरेशन करेंगे उसकी सल्फ्यूरिक एसिड की, ये रहता है। बाकी स्ट्रक्चर जरूर कर लेनी है सल्फर डाइऑक्साइड की भी, मतलब डाइऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स एंड ट्राईऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से कर लेना है। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है जी। सल्फर ट्राईऑक्साइड की ट्राइग्नो प्लेनर ज्योमेट्री होती है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड के केस में अभी आपने देखा वो पेंट होती है, पेंट शेप टाइप होती है, क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर, बॉन्ड एंगल दोनों में डिफरेंट होते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड में 120 डिग्री होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड में 119.5 डिग्री जो अभी आपने डिस्कस किया ये होता है। ठीक है जी, बाकी इस तरह से आप लोगों ने ये थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस इसको जरूर कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता होता है। आपको असाइनमेंट एक और मिल जाएगी आप ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, साइड बाई साइड वो कम्प्लीट करते रहना है आप लोगों ने, जो मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन रहते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के वो आपको आज भेज दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स में ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, हैलाइड्स फॉर्मेशन होती हैं, और थ्री टाइप्स जो बेसिक हम लोग डिस्कस करते हैं वो बनते हैं इसमें, एक हेक्सा हैलाइड्स, एक टेट्रा हैलाइड्स और एक डाई हैलाइड्स। ठीक है जी, हैविंग जनरल फार्मूला EX6, EX4 एंड EX2 ये रहते हैं। बाकी जो स्टेबिलिटी होती है इन हैलाइड्स की वो डिक्रीज करती जाती है जब हम टॉप टू बॉटम वेरी करते हैं, क्योंकि साइज इंक्रीज करता जाता है, साइज ऑफ द हैलाइड आयन गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो हेंस देयर थर्मल स्टेबिलिटी आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, विद इंक्रीज इन साइज। बाकी हेक्सा हैलाइड्स की बात करें, हेक्सा फ्लोराइड जो होते हैं ओनली स्टेबल हैलाइड्स होते हैं, जो हेक्सा हैलाइड्स सारे के सारे हेक्सा हैलाइड्स की बात करें तो हेक्सा फ्लोराइड्स जो होंगे, जैसे मोस्ट जो कॉमन रहता है वो SF6 रहता है, SF6 इसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा सेलेनियम वगैरह भी बनाता है, SEF6 भी होता है और टेल्यूरियम TEF6 भी होता है, ये बनते हैं। बाकी जितने भी हेक्सा फ्लोराइड होते हैं गैसेज इन नेचर होते हैं, मीन्स कोवलेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इनकी। ठीक है, यहाँ पे सल्फर हेक्सा फ्लोराइड जो है वो एक्सेप्शनली स्टेबल रहता है फॉर स्टेरिक रीजंस। कारण क्या है, क्योंकि फ्लोरीन जो है फ्लोराइड आयन्स स्मॉलर साइज आयन्स होते हैं तो स्टेबल रहते हैं वो, लेकिन जब बाकी की बात करें जैसे हेक्सा क्लोराइड की बात करें तो वो लार्ज साइज ऑफ क्लोराइड आयन्स जो होते हैं वो सल्फर में आकर सल्फर के साथ जब कंबाइन करते हैं तो वहां पे स्टेरिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोल सकते हैं, वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देते हैं, ये रहता है। तो इस वजह से ये आपके पास SF6 जो है वो एक्सेप्शनली स्टेबल रहता है इस केस में, ये रहता है। ये क्वेश्चन वगैरह भी बन जाता है आप लोगों का इस केस में से। बाकी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही हैलाइड बनाता है, दैट इज फ्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। बाकी केसेस में जब बाकी हैलोजन्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो हैलाइड नहीं बनाता, फिर ऑक्साइड बनते हैं, और उसके पीछे का कॉज मैंने आपको यस्टरडे लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में,
कि जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो वर्ड आइड, कंपाउंड में आइड जो यूज होता है ना, आइड, IDE, ये आइड वर्ड जो यूज होता है ये हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही यूज होता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम लिखेंगे विद द जो सुफिक्स आइड के साथ। तो जैसे ऑक्सीजन, अगर OF2 है तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास CLO2 है, CLO2, तो यहाँ पे क्लोराइड नहीं बनता, ये फिर ऑक्साइड बन जाता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, मतलब इस तरह से। तो इसके पीछे का जो बेसिक कॉज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है। ये भी एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में, ठीक है जी। बाकी इसमें और तो क्वेश्चंस वगैरह जो अनदर क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, उनमें फिजिकल करेक्टरिस्टिक के ऊपर बन जाता है। जैसे अमंग द टेट्राफ्लोराइड्स की बात करें तो SF4 जो होता है वो गैस होता है, SEF4 लिक्विड होता है, टेल्यूरियम टेट्राफ्लोराइड सॉलिड होता है। और इन सभी में टेट्राफ्लोराइड्स के केस में SF4, SEF4, TEF4, इन सभी में से SF4 जो होता है वो हाईली रिएक्टिव स्पीशी माना जाता है, स्ट्रॉन्गली एक्टिव होता है। और इसके पीछे का कॉज इसकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री जो एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से डिस्टॉर्टेड बन जाती है, सीसॉ ज्योमेट्री ऑब्टेन होती है हमारे पास। सीसॉ एक्चुअली क्या होती है, एक्चुअल ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, ठीक है जी। ट्राइगोनल बायपिरामिडल इस तरह से ऐसे, लेकिन जब हम SF4 की बात करते हैं टेट्राफ्लोराइड की, तो ये वाला एक जो इक्विलेटरल ट्यूटोरियल बॉन्ड होता है ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है ये वाला। तो आपके पास ये जो ज्योमेट्री है बनी, ये सीसा ज्योमेट्री बन जाती है, सीसा, ठीक है, SF4 के केस में। तो जहां पे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर पर्सन टेक्स प्लेस करती है, जिसकी वजह से ये रिएक्टिवनेस शो करता है, ठीक है जी। तो ये रहता है इस केस में। और बॉन्ड एंगल जो रहता है वो टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स SF4 के केस में रहते हैं। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड में रहेगा वो 173 डिग्री रहता है, 173 डिग्री, जबकि जो एक्सियल बॉन्ड के साथ बनेगा वो 102 डिग्री के आसपास एंगल बनता है। ये रहती है इसकी कुछ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट टाइप, जो आप एनालाइज कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी पेंटाहलाइड्स की बात करें तो सिर्फ सल्फर पेंटाहलाइड बनाता है एक, बाकी कोई नहीं बनाता। S2F10 होता है ये, S2F10 ये सल्फर फॉर्म करता है, ठीक है जी। बाकी कोई नहीं बनते इस केस में। इसमें SF5 यूनिट जो है वो लिंक्ड रहते हैं थ्रो सल्फर एटम्स के साथ, ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री बनती है इसकी। हेक्साहैलाइड्स की बात करें तो सल्फर के हेक्साहैलाइड, जैसे मैंने अभी बताया ये सल्फर के हेक्साहैलाइड स्टेबल बनते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है जी। SF6 एक्सट्रीमली स्टेबल रहता है और इनर्ट भी है स्टेरिक कॉजेस की वजह से, क्योंकि SF6 में 6 फ्लोराइड एटम, फ्लोरीन एटम्स होते हैं जो सल्फर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द अटैक बाय एनी ऑफ द रिएजेंट्स, ठीक है। और अगर हम थर्मोडाइनेमिकली भी यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, मतलब अगर इवन टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड करवा के भी अगर इसकी रिएक्टिविटी की डिस्कशन करते हैं तो वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, मीन्स अंडर थर्मल कंडीशंस में भी, थर्मल कंडीशंस में भी ये स्टेबल रहता है SF6। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपका इस टॉपिक में से, वो बनता है SF4 गेट्स इजिली हाइड्रोलाइज्ड बट SF6 डज नॉट, ये एक क्वेश्चन बनता है। SF4 गेट्स इजिली हाइड्रोलाइज्ड बट SF6 डज नॉट, तो कारण वही मैंने भी बताया ही है कि SF6 केस में 6 फ्लोराइड आयन जो होते हैं ये सल्फर को प्रोटेक्ट करते हैं, सो दैट इट इवन एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट कांट अटैक ऑन दिस सल्फर, हेंस रिमेन स्टेबल। बट SF4 के केस में जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया ही है कि एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, मतलब एक साइट जो है वो एक्टिव रहती है अटैक के लिए,
जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल टाइप को जो होते हैं या कोई भी अटैकिंग स्पीशी जो है वो SF4 के ऊपर इजिली अटैक कर सकता है। जो मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो यही बनता है जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि SF4 undergoes hydrolysis readily but SF6 does not, तो उसमें आप इसी का कॉज बताओगे, दैट इज स्टेबिलिटी ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। बाकी एक चीज याद रखनी है कि जैसे जैसे साइज ऑफ हेलोजन आइटम इंक्रीज करेगा विद द पर्टिकुलर ग्रुप 16 एलिमेंट, चाहे वो सल्फर की बात हो रही है या किसी की भी, तो उस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 का वो डिक्रीज करता जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं अभी बात कर ही रहा था कि SF6 की और SCl6 की अगर बात करें तो SF6 स्टेबल होता है जबकि SCl6 अनस्टेबल होता है, तो उसके पीछे का कॉज यही है कि क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो सल्फर अकोमोडेट कर लेता है इजिली 6 फ्लोराइड आयंस को, लेकिन क्लोराइड आयन का साइज हाई रहता है जिसकी वजह से ये इजी अकोमोडेशन नहीं हो पाती इसकी और मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहता है, स्टेरिक फैक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इसमें मेन यही है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दीज रिएक्शन।